So, सो पैरासिम्पेथोलाइटिक्स और द कोलर्जिक ब्लॉकर्स मीन्स दिस ड्रग ब्लॉक द मस्कनिक रिसेप्टर्स एंड एबोलिश द एक्शन ऑफ एस्टाइलकोलिन देर फॉर इटॉन्स द कोनर्जिक ब्लॉकर्स और एंटी मस्कनिक ड्रग्स फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्लाइड फैमिली के जो एक्ट्रोपिन है हाउसोमिन है स्कोपोलामिन है उनके बारे में बात कर चुके हैं आज हम बात करेंगे सिंथेटिक एंटी कुलर्जिक ड्रग्स के बारे में इनका जो बेसिक मोड ऑफ एक्शन है सब का एक ही होगा मस्कनिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर ठीक है जिसमें आपके हम बात करेंगे आज इस वीडियो पर आपके ट्रोपिकामाइड साइक्लोपेंटोलेट क्लिनिडियम टाइकोसाइक्लोमिन वगैरह के बारे में तो आप इस वीडियो को देखते रहिए हम बात करते हैं वन बाई वन सारे ड्रग्स का जो फर्स्ट ड्रग था वो है आपका ट्रोपिका माइट चलिए हम आते हैं ट्रोपिकामाइड पे सो so फर्स्ट इज द ट्रोपिकामाइट तो ट्रोपिकामाइट का जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं इस तरीके से है ये भी फिनालिस्टिक एसिड का ही पार्ट है इस एन पोजिशन पर डाई यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे पारिडीन मिथाइल जुड़ा हुआ है इसलिए हम बोल सकते हैं इसको एन पे एन इथाइल एन पे फोर पैराडाइल मिथाइल ट्रोपामाइड ठीक है ये इसका बेसिक नॉमन है ये आपका जो है यहाँ तक आपका ट्रोपामाइड है ये ट्रॉपिक एसिड था यहाँ पे एमाइड ड्रॉप जुड़ा हुआ है इसलिए ट्रोपामाइड एम आर ब्लॉकर मेनली एम थ्री इसका यूज़ है आपका मिडाइट्रिक एक्शन साइक्लोल एक्शन के लिए टॉपिकली हम आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं इसके अलावा हम जोआटिस भी यूज़ कर सकते हैं फिर ये साइक्लोपेंटोलेट ये भी मिडाइट्रिक ड्रग है साइक्लोफेजिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसमें जो इस पोजीशन पे आपका साइक्लोपेंटेन और हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है टू पे आपके डाई डामिथाइल एमिनो डाई एमिनो इथाइल टू पे वन हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटाइल टू पे फिनाइल एसीटेट ठीक है ये आपका फिनाइल एसीटेट ग्रुप ये आपका एसिटेट ग्रुप जो है एस्टिक एसिड जुड़ा हुआ है इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर यह वन होगा ठीक है इस वन पोजिशन पे है एक्चुअली तो ये आपका तो फिर है यूजेस क्या, क्या है आपका मिडाट्रिक साइकिल नेक्स्ट है आपका क्लिनियम ब्रोमाइड ठीक है इस पर आपके इस पोजिशन पर क्या है डाइफिनाइल और हाइड्रोक्सी तो थ्री पोजिशन पे आपका है थ्री पोजिशन पर क्या है आपका टू हाइड्रोक्सी ये आपका वन है ये टू है ये थ्री है ठीक है तो इस थ्री के यहाँ बात कर रहे हैं इस थ्री के इसके टू पे है हाइड्रोक्सी टू टू डाइफिनाइल फिर एसिटाइल ऑक्सी वन पे मिथाइल वन ए जो बाइसेक्लो ट्रिपल टू ऑक्टा वन एम ब्रोमाइड ये इसका बेसिक नामोक्लेचर है ये आपका एम आर प्लॉकर है ये आपका एंटी स्पाजोमोटिक ड्रग है याद रखिए एंटी स्पाजोमोटिक मतलब आप जी आई का मसल्स है या याल या मसल्स हैं वो स्पाज हो जाते हैं कॉन उनको रिलैक्स करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एंटी कॉलर्जिक ड्रग उसके अलावा एंटी अल्सर ड्रग है क्योंकि गेस्ट्रिक एसिड को भी कम करता है अल्स इन द इरेटेबल बाउल सिंड्रोम एंड द एसिटिक एक्यूट एंटेरोक्टिस में हम यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट ड्रग है आपका डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि इंपॉर्टेंट ड्रग है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका टू पे डाई इथाइल एमिनो इथाइल इस टू पोजिशन पे डाईल डाई इथाइल एमिनो इथाइल बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो हेक्साइल हेक्साइल वन पे कार्बोक्सिलेट ये आपका कार्बोक्सिलेट एसिड है इसलिए कार्बोक्सिलेट ठीक है इसका क्या बनता है कैसे बनता है ये आपका ये साइक्लोसाइनाइड है साइनोसा साइनोसाइक्लो हैगजेन है वन साइनोसाइक्लोह हेक्जेन ये आ, वन ब्रोमो साइक्लो या ये ब्रोमाइड भी हम बोल सकते हैं इसको मिशन कराएंगे एन एन एच टू से तो ये जो है आपका सी एन और बी आर निकल जाएगा और यहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा इस तरीके से सी एन फिर इसमें हम सिंपल आपके ये ग्रुप हम जो हैं ऐड कर देंगे सी एल सी एच टू सी एच टू एन डाइमिथाइल एमिनो इथाइल क्लोराइड हम यूज़ करेंगे तो ये बनेगा आपका बेसिकली डाइसाइक्लोमीन तो इस तरह से बनता है डाइसाइक्लोमीन इसका जो एक्शन है एमआर ब्लॉकर है यूज़ क्या है एंटी स्पॉजोमोटिक ट्रीटमेंट ऑफ द इरेटेबल बाउल सिंड्रोम आल्सो इन द अल्सर एंड मोशन सिकनेस ये आपका मेन यूज है मोशन सिकनेस में यूज करते हैं फिर नेक्स्ट आपका ग्लाइको पायरोट थ्री पे टू साइक्लोपेंटाइल इस थ्री पोजिशन पे टू पे इसके जो थ्री है ये वन ये टू और थ्री इस थ्री पोजिशन पे इसके टू पे साइक्लोपेंटाइल टू हाइड्रोक्सी टू फिनाइल एसीटॉक्सी ये एसिटाइल ऑक्सी ये हो गया एसीटॉक्सी ये हो गया वन वन डाईमिथाइल पायरोलीडीन ठीक है अब क्या है पायरोडीन स्ट्रक्चर है इसलिए हो गया इसका नाम नानोक्लेचर इसका जो यूज़ है प्री एसिटिक एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं एज ए एंटी सिक्रिट्री और एंटी स्पाजमोटिक अल्सर एं भी यूज़ है और आपका इनहेल्ड में हम लोग सी ओ पी डी में भी यूज कर सकते हैं ठीक है प्राट्रोपियम की तरह फिर नेक्स्ट है आपका मिथेन्थेलिन रोमाइड ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं ठीक है इसका जो बेसिक यूज है वो है आपका एंटी स्पॉजमोटिक टू रिलीव द क्रेम्स ऑफ स्पॉस ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द ब्लेडर ठीक है जिनमें है क्या होगा एन एन डाई इथाइल एन मिथाइल इस एन पे एन एन डाई इथाइल एन मिथाइल टू पे इस टू पोजिशन पे क्या है नाइन एच जेंथिन नाइन आइल कार्बोनाइल ऑक्सी इथा इथेनमिनियम ब्रोमाइड ठीक है ये भी आपका एंटी स्पॉसमोटिक है एंटी अल्सर है और आपके फिंगराइट में भी यूज कर सकते हैं फिंगराटिस स्टाइटिस वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं फिनेस्ट रख आपका प्रोपेंथेलिन यह बेसिक स्टेज है प्रोपेंथलिन का लगभग सेम है यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी ये हो गया पे एन मिथाइल एन एन डाई प्रोपेन टू आइल नाइन पे नाइन एच जेंथिन नाइन कार्बोनिक ऑक्सी इथामिनियम ब्रोमाइड सेम होगा बस ये जो स्ट्रक्चर है आपका चेंज हो जाएगा वहाँ पर डाइथाइल वन मिथाइल था यहाँ पर मिथाइल और आपके जो है आइसो प्रोफाइल ड्रोड जुड़ा हुआ है ये भी एंटी स्मोसमोडिक आपके स्विटिंग में यूज कर सकते हैं और आप गेस्ट्रिक अल्सर में यूज़ करते हैं फिनेस ड्रग है आपका बेंजट्रोपिन मिसाइलेट जो कि एंटी एंटीपर्गनसन ड्रग है बहुत फेमस ड्रग है एंड जो नेम क्या होगा थ्री बेंज हाइड्रोक्स हाइड्राइल ऑक्सी ये आपका है थ्री बेंज हाइड्राइल ऑक्सी ट्रोपेन मिथेन सल्फेट ठीक है सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलर्जिक ड्रग है एंटीस्टामिनिक ड्रग भी है और सेलेक्टिव एमन ब्लॉकर भी है हम इस करते हैं सब पार्किंसन डिसीज में इंपॉर्टेंट इसका यही है इसके अलावा हम एंटीस्टामिनिक और लोकल एंसेप्टिक में यूज कर सकते हैं और आपके डिस्टेनिया में भी यूज़ कर सकते हैं जो कि पार्किंसन जैसा सिम्टम्स ही है फिनेश ड्रग है आपको और आ, और फिनाड्रिंक जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें भी आपके डब्बाइफनाइल हैं तो इसमें डाई मिथाइल टू पे टू मिथाइल बेंज हाइड्राइल ऑक्सी इथाइल एमिन सिट्रेट हम लिख सकते हैं फिर आपका एमून ब्लॉकर आल्सो विंग द एंटीस्टामिनिक्स रिलीव द पेन ड्यू टू द स्पाज एंट्री मसल यूज द दर्गिशन डिसीज एंड रिलीव द पेन ऑफ द आर्थराइटिस ठीक है फिर आपका बिप्रेडिन हाइड्रोक्लोराइड ठीक है तो ये आपके वन पे बाईसाइक्लो टू टू वन फाइव इन टू आइल वन फेनाइल थ्री पे पिप्रेडिन वन आइल ये आपका हो गया प्रोपेन वन ऑल ये सी एच टू सी एच टू सी एच ओ एच प्रोपेन वन ऑल ठीक है यूज़ किस में है पार्किंसन साइकोसिस और वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं सूटिंग भी कम करता है और ऑर्गेन फॉस्फोस टॉक्सीटी भी यूज कर सकते हैं एट्रोपेन की तरह उसके अलावा न्यूरोलेप्टिक मैनेजमेंट मेगनेंट सिंड्रोम भी हम यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट आपका प्रोसाइक्डिन हाइड्रोक्लोराइड तो बेसिकली ये आपका थ्री पे जो आपका वन प्रो प्रोपाइलीडीन आइल प्रोपिओफिनोन का रिएक्शन हम कराएंगे आपके साइक्लो हैगजन एम से तो ये बनेगा आपका प्रोसाइक्लिडीन इस तरीके से पे पे साइक्लोहेक्साइल एल्फा पे फिनाइल वन पायरोलीडीन वन पे पायरोलीडीन प्रोपेनॉल हाइड्रोक्लोराइड ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है सी एच टू सी ठीक है यूज किस्में है आपके पार्किंसन में और एकथेसिया एंड एक्यूट डिस्टोनिया नेक्स्ट आपका ट्राई डाई हैग्ज इथाइल क्लोराइड ये एक सबसे स्ट्रक्चर है यहाँ पे पर ट्राईथाइल है इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राई डाई हेग्ज इथाइल क्लोराइड तो हो गया थ्री पे साइक्लोहेक्ग्जाइल एन 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 ट्राई इथाइल थ्री पे हाइड्रोक्सी थ्री पे फिनाइल प्रोपेन वन एमिनियम क्लोराइड ये आपका प्रोपेम क्लोराइड है इसलिए आपका हो गया ये स्ट्रक्चर यूज़ किस में है एटी स्पासमोटिक अल्सर और आपके इन एक्वायर्ड निस्टगमस डिसीज़ में है जो कि एक तरीके से कंडीशन ऑफ द इन्वॉलेंट्री आई मूवमेंट आपका जो आई है प्रॉपर्ली मूवमेंट नहीं करता उसको बोलते हैं निस्टगमस इसके अलावा जो है डिसकटिन्यूट साइड इफेक्ट्स सही यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत सारा है इसका फिर नेक्स्ट है आपका आइसोप्रोपामाइड आइडाइड ये आपका इम्पोर्टेंट ड्रग है तो ये आपका एमाइड ग्रुप है ये बायोफिनाइल है सी एच टू एन है ये इस तरीके से आपका डिस तो क्या होगा थ्री पोजिशन पे कार्बोमोइल ऑक्सी थ्री पोजिशन पे कार्बोमोइल ऑक्सी थ्री थ्री डाईफिनाइल प्रोपाइल डाई आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमोनियम आयोडाइड ठीक है ये मिथाइल है यह आइसोप्रोपाइल ग्रुप है इसलिए हो गया ये स्ट्रक्चर यूज किस में है लॉन्ग एक्टिंग क्वाटरिक अमोनियम कंपाउंड्स हैं अल्सर एंड अदर जी आई वी हाइपर एक्टिविटी दिस इज द मस्कुलर कंट्रेक्शन दैट कॉज द पेन कोल्ड स्टैटिस मतलब हम लोग एंटी स्पाजमोडविक में भी हम यूज कर सकते हैं फिर एक आपका इथोप्रोपाजीन हाइड्रोक्लोराइड ये स्ट्रक्चर है ये आपका इस टेन पोजिशन पे ये आपका टेन पोजिशन पे है इसके टू पोजिशन पे है डाई इथाइल एमिनो ये हो गया प्रोपाइल डाई इथाइल एमिनो प्रोपाइल फिना फिनोथाइजिन ये फिनोथाइजिन रिंग है हाइड्रोक्लोराइड ठीक है तो इसके टेन क्वेश्चन ये है तो टेन क्वेश्चन पे क्या होगा इस प्रोपेन पे क्या है टू पे क्या है डाई इथाइल एमिनो प्रोपाइल ठीक है अब आते हैं इसके मोटर ऑप्शन पे तो ये पार्सली ब्लॉक द सेंट्रली क्वनर्जिक रिसेप्टर्स एंड हेल्प्स टू तो बैलेंस द एंड एंडर्जिक एक्टिविटी इसलिए हम इसको पाकिस्तान में यूज़ करते हैं अच्छे तरीके से एंड आल्सो हैव द एंटी एनेस्थेटिक गंग्लैनिक ब्लॉकिंग एंड एनडिस्टर्बनिक एक्टिविटी इसमें यूज है और इस डिसीज में सो दिस द बेसिक कमर्शियल केमिस्ट्री ऑफ द सिंथेटिक कॉलोलॉजिक ब्लॉकर्स इसका जो नोट्स है आपको मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सो इफ फिल का वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन देट मोटिवेशन फॉर द कमिंग वीडियोज इन लास्ट थैंक यू की वॉचिंग